नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का फॉर्म लाइव हो चुका है और काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर फॉर्म फिलिंग पर एक वीडियो बना दें कि कैसे हमें स्टेप वाइज स्टेप फॉर्म फिल करना है, क्या हमारे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म फिलिंग के टाइम पे लगेंगे, क्या उसकी नेसेसरी है, वो सब कुछ मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो तो मैंने एक वीडियो आपको बना ही दिया है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन क्या वो डॉक्यूमेंट भी पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करना है, ये सब की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दे दूंगा। तो जो भी चैनल पे नए बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जैसे परीक्षा प्लस टीम आरआरबी एनटीपीसी का एक बहुत बेहतरीन बैच मात्र 199 रुपये में लेकर आई है, जो आप परीक्षा प्लस एप्लीकेशन के थ्रू जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस क्लासेस भी, मैराथन क्लासेस भी आपके यूट्यूब पे शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आपकी चलती हैं। मैथ्स आपके और साइंस आलोक सर के द्वारा, रीजनिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, जीके जीएस सर्वेश सर और रमन सर आपको पढ़ाएंगे। ये पूरी पेड क्लास की फैकल्टी है, वो आपके जो है यूट्यूब की है, यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस क्लास कराई जाती है। और ये आपको फैकल्टी जो है आलोक सर, मैं और आपके रमन सर, सर्वेश सर, फहीम सर, नवीन सर, ये मिलकर आपको पूरा आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। कोई भी बैच अगर आप आरआरबी का लेना चाहते हो तो मात्र 199 रुपये में आप परीक्षा प्लस एप्लीकेशन से ले सकते हैं, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऐप को। अब हम आते हैं कि कैसे हमें फॉर्म को फिल करना है, बेसिकली जो हमारा मोटो है। तो यहां पर देखे जाए कि सबसे पहले आप वेबसाइट जब ओपन करोगे आरआरबी की, तो यहां पर आता है अप्लाई। अप्लाई पर जब क्लिक करोगे तो यहां आता है क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर इससे पहले आपने कोई भी फॉर्म आरआरबी का अप्लाई किया है, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, पैरामेडिकल हो, तो आप ऑलरेडी हैव अकाउंट पर क्रिएट करिएगा। अगर आपने किया है तो आपके सामने आपका मोबाइल नंबर पासवर्ड पूछेगा, ये कैप्चा कोड डाल के आप सीधे लॉग इन करिएगा, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए कि नहीं, आप फ्रेशर हो, सिर्फ एनटीपीसी का ही भरना चाहते हो, तो आपको इसी अप्लाई पर क्लिक करना और क्रिएट एन अकाउंट करना है। क्रिएट एन अकाउंट पर जाओगे तो यहां पर आपको कई सारे, देखिए, कंट्री ऑफ नेशनलिटी पूछेगा, आपका नाम पूछेगा फिर से नाम रिटाइप करने के लिए, आप उसके बाद से डीओबी पूछेगा, आपका डेट फिर से एक बार पूछेगा, जेंडर पूछेगा, कंफर्म कराएगा जेंडर को, फिर फादर नेम को कंफर्मेशन, मदर नेम यहां, और आधार जरूर डालिएगा यहां पर, आधार कार्ड, फिर वेरीफाई होगा आपका आधार कार्ड, उसके बाद से ईमेल एड्रेस आपको डालना है, मोबाइल नंबर, दोनों पे ओटीपी जाएगा, दोनों आपके तब वेरीफाई होंगे। और यहां पर अपने जो एक तरह से प्रोफाइल बनेगी आपकी आरआरबी की वेबसाइट पर, उसका पासवर्ड डालना है। फिर जैसे ही रिव्यू एंड क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपके आरआरबी की वेबसाइट पर एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद से आपको क्या प्रोसीजर करना है, यहां पर ध्यान दीजिए कि एक एक स्टेप मैं आपको लेकर आया हूं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ये सब मैंने आपको बता ही दिया कि सब कुछ करने के बाद, मतलब अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा साफ साफ, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है। देखिए, 2 मिनट रुकिए। हाँ, अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यहां पर, आप देखिए, एक एक स्टेप करके मैं आपको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लगाया हूं, वो सब क्लियर करा दूंगा। हाँ, एनटीपीसी का ये पूरा आपको मैंने बता दिया कि यहां पर अपना नाम वाम फिल करेंगे, ये सब चीजें आप क्रिएट अकाउंट, जैसे ही क्रिएट अकाउंट करेंगे आगे आपको ये ओपन होके डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड ओपन होगा आपका, यहां पर लिखा रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ठीक है, यहां पर क्या लिखा रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा रहेगा। और इसी पर आप देख रहे हो यहां पर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट लिख के आ रहा है। और यहां आप अपना जैसे इसको सेलेक्ट करोगे तो यहां जोन सेलेक्ट करने के लिए आता है, और एक यहां आता है आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड फॉर एनी आरआरबी आरआरसी। अगर आपको किसी भी आरआरबी या आरआरसी से डिबार्ड नहीं किया गया तो यहां पर टिक करना है कि मतलब किसी चीज में आप ऐसा तो नहीं कि कोई नकल उकल करते या किसी में आपको डिबार्ड किया गया हो, तो वो चीज आप करना है। यहां आपको जोन सेलेक्ट करना है, जोन सेलेक्ट करना होगा तो जोन की लिस्ट आ जाएगी, जिस भी जोन से, और क्या सेफ जोन है क्या नहीं, वो आपको आलोक सर ने एक वीडियो में बताया है, वो आप अपना जोन देख लीजिएगा। जिस भी जोन से सेलेक्ट करना है आप जोन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जोन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहां पर ये पूरा आ जाएगा, ध्यान दीजिए। और यहां पर देखिए, अगर आधार वैलिडेशन नहीं करोगे ना तो लिख के आता है आधार वैलिडेशन नॉट डन, कैंडिडेट आर एडवाइज टू आधार वैलिडेशन फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कर लोगे, वैलिडेशन कर लोगे, तो आपकी एग्जाम हॉल में एंट्री
आसानी से हो जाएगी, अदरवाइज फिर वहां भी चेक होगा। तो यहां पर बोला है कि आपको कंट्री बोला है क्या होगा, डीओबी आपका यहां सब कुछ जैसे आपने भरा था ना अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो सब चीजें यहां पर शो करेगा, ठीक है, यहां पर शो करेगा। फिर अगले पे जैसे ही आओगे उसी में आपका आगे ये सब कुछ जितना जेंडर, मोबाइल नंबर, जो भी चीजें हैं। और यहां पर एक कुछ चीजें भरनी पड़ेगी कि आपका लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन का लैंग्वेज क्या होगा, यहां से चूज कर सकते हो, ठीक है। रीजनल आपका क्या लैंग्वेज है, रीजन क्या है, रिलीजन क्या है, रिलीजन है, रीजन नहीं है, रिलीजन है, रिलीजन आपका क्या है, उसके बाद से मदर टंग क्या है, परमानेंट विजिबल कोई मार्क्स आपके शरीर में है वो आप बता दो। फिर यहां आता है कम्युनिटी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम अकाउंट क्रिएट के समय आपको कम्युनिटी नहीं डालना पड़ता है, यहां अनरिजर्व डालोगे तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नंबर ये सब चीजें नहीं मांगी जाती है, आप डायरेक्ट उसके पास एड्रेस फिल करोगे, ठीक है, वही परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस दोनों पे टिक कर दो तो एक ही चीजें हो जाती हैं दोनों जगह। तो आप एड्रेस फिल करने के बाद अगले स्टेप पे जो मैं कम्युनिटी वाली बात कर रहा हूं कि क्या आपको एससी एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, किस केस में करना है, किस में नहीं, वो मैं बता देना। अगर आपने कम्युनिटी एससी चूज किया है तो वहां पे आपको नेम ऑफ द कास्ट, आपका कास्ट का नाम पूछेगा, आपके सर्टिफिकेट का नंबर पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर, जब आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तभी तो नंबर बता पाओगे, और किसने इशू किया है उस ऑथोरिटी, उसके बाद से डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू कब का डेट है आपका इशू का, और यहां डू यू विश टू अवेल ए फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, मतलब एग्जाम के लिए आप फ्री ट्रेवल पास लेना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए, और उसके बाद से आपको यहां कास्ट सर्टिफिकेट अपना 500 KB तक पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करना है, ये ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट एससी और एसटी दोनों के केस में है, ये ध्यान है। अब यहां पर आ जाते हैं, तो ये आपके एसटी मैंने जब चूज किया तो यहां पर भी सेम चीज है, यहां पर भी आपसे अपलोड डॉक्यूमेंट मांग रहा है, और यहां पर भी आपको फ्री मिलेगा पास एग्जाम के लिए, मतलब कोई फेयर नहीं लगेगा, जहां भी आपका सेंटर जाएगा आपको फ्री पास मिलेगा। इसके बाद से अगर हमने ओबीसी सेलेक्ट किया तो ओबीसी के लिए आपको यहां पर पूछेगा आप नॉन क्रीमी लेयर में है तो आप कहिएगा यस, उसके बाद से आपके यहां पर सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, इशू ऑफ अथॉरिटी पूछेगा, डेट इशू पूछेगा कब का है, बस इसमें आपको अपलोड नहीं करना है, यहां पर आपको अपलोड नहीं करना है, लेकिन आपका लेटेस्ट होना चाहिए, 3 साल से पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से अगर आपने ईडब्ल्यूएस चूज किया है तो ईडब्ल्यूएस चूज करोगे तो यहां पर भी आपके सर्टिफिकेट नंबर पूछता है, अथॉरिटी पूछता है, डेट ऑफ इशू पूछता है, तो ये सब चीजें आपको फिल करना है, आपके सर्टिफिकेट पे सभी चीजें लिखी होती हैं, बस आपको वही वही फिल करना है। इसके बाद से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे पर्सनल डिटेल में तो यहां एक्स सर्विस मैन वाले जो होंगे उनका भी कैटेगरी होता है, यहां पर एक्स सर्विस मैन को चूज करोगे यस, तो उनके भी डिफेंस सर्विस किसमें थे आप सेलेक्ट करना है, आप रैंक किस रैंक पर थे, कौन सा पद था आपका, डेट ऑफ अटेस्टेंट आपका पूछेगा, आर यू स्टिल इन डिफेंस सर्विस, अभी भी आप हैं कि नहीं है, लेंथ ऑफ सर्विस, आपके सर्विस का लेंथ कितना था, और जो डिसेबिलिटी वाले होते हैं फिजिकली हैंडीकैप उनके लिए अगर बात किया यहां पर आप चूज करोगे किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी चूज करोगे, और आपके परसेंटेज कितनी है डिसेबिलिटी की, नेचर क्या है, परमानेंट है या वैसे एक्सीडेंटल है कुछ, उसके बाद से उसका सर्टिफिकेट नंबर और उसके सर्टिफिकेट इशू डेट, ये आपको पीएच कैंडिडेट के लिए देना है। उसके बाद से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपके बैंक यहां पर पूछता है, ठीक है, और सिर्फ एक पूछता है कि नेम ऑफ करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कहीं वर्किंग हो तो आप यस कर दो और उसका भी डिटेल आपसे पूछेगा। फिर आपसे यहां पर अकाउंट नंबर लेता है रिफंड कराने के लिए कि जब आप एग्जाम दे लोगे तो बाकी पैसे आपके वापस आ जाएंगे आपके अकाउंट में, तो आप यहां पर अपना अकाउंट नंबर डालना, कई लोग क्या करते हैं साइबर कैफे वाले को दे देते हैं, वो अपना अकाउंट नंबर डाल देता है, जब आप एग्जाम देके आते हो तो सभी पैसे उसी के अकाउंट में जाते हैं, आप अपना नंबर दीजिएगा, अकाउंट होल्डर नेम है, यहां नंबर है, दो बार आपसे कंफर्म कराएगा, फिर आईएफएससी कोड, बैंक कौन सा है और बैंक का एड्रेस कहां का है, मतलब किस जगह का है, फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप सीधे पहुंचेंगे कहां पर, अगले अदर डिटेल्स पे, अदर डिटेल मतलब एजुकेशनल डिटेल्स पर आप पहुंचोगे, यहां पर आपको क्वालिफिकेशन पूछेगा कि क्या क्या चाहिए आपको, तो आप 10th सर्टिफिकेट जरूर आपको करना है यहां पर डालना है,
डालने के बाद उसका डिटेल डालोगे, उसके बाद से फिर से ऐड का बटन आप यहाँ पर, मतलब कोई चीज और एजुकेशन अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट आप आएगा यहीं पर कि आप और कोई भी, जैसे यहां पर आता है क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ ऐड बटन आता है, ऐड पर क्लिक करोगे तो आपका एक और आ जाएगा। क्वालिफिकेशन में चूज करोगे तो बैचलर डिग्री भी चूज कर लिए, कहां से किए हैं, कब पास आउट किए हैं, डेट ऑफ डिक्लेरेशन, रिजल्ट का डिक्लेरेशन डेट पूछता है। तो जब फाइनल ईयर की जो मार्कशीट आती है उसमें होता है तो डेट ऑफ रिजल्ट आपका पूछता है, डेट ऑफ रिजल्ट पूछता है। तो मैंने ये बता दिया है कि कौन सा डेट आपको भरना है, ठीक है। तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, स्टेट कौन सा था, कहां से आपने किया, बस इतनी चीजें हैं आपके पास, तो कर दीजिए नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपसे फोटो पूछता है यहां पर, ठीक है। यहां से फोटो और सिग्नेचर आपका अपलोड होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर आपको दिखाएगा अपलोडेड है ना, यहां पर आपका पूरा जो सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड करता है कि मांगता है। यहीं पर आपका सर्टिफिकेट जो होगा, टेंथ का सर्टिफिकेट, तो टेंथ का सर्टिफिकेट आप लोगों को यहीं पर अपलोड करना है, ठीक है। यहां देखो स्टेटस अपलोडेड दिखाएगा और यहां से आप अपना सर्टिफिकेट देख सकते हो, आंख वाला जो बटन दिया गया है, पीडीएफ के फॉर्म में करना है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद से आपको अपना फोटो करना है व्हाइट बैकग्राउंड में, किसमें, व्हाइट बैकग्राउंड में आपको फोटो अपलोड करना है, ठीक है। जितना मैंने बताया था 30 KB से लेकर 70 KB के बीच का फोटो आपका होना चाहिए, ठीक, यहां पर लिखा गया है। उसके बाद से जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी, ये दोनों फॉर्मेट आपका होना चाहिए फोटो का। इसके बाद से अगर हम बात करें तो यहां पर आपका नेक्स्ट बढ़ोगे तो यहां सेलेक्टेड आरआरबी जो आपने सेलेक्ट किया है वो दिखेगा कि आरआरबी मुंबई आपने सेलेक्ट किया है। वहां आपको एलिजिबल पोस्ट एक तरफ आएगा, कौन सा पोस्ट है, अब कौन सा प्रिफरेंस आप पहला डालना चाहते हो उसी हिसाब से यहां प्लस करते जाओगे, इधर ऐड होता जाएगा। जो भी आप करोगे, जो भी पोस्ट आप जिसके लिए एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना, मेडिकल आपका उस तरह से होना चाहिए। अगर मेडिकल में आप अच्छे हो, आंख आपकी अच्छी है, तो भैया देखो C2 तो सब लोग भर सकते हैं, C2 में कोई भी चश्मा भी लगाता हो, 4 पावर से ज्यादा भी हो, 4 पावर से 4 डायोप्टर पावर से आपका लेंस कम है, तो आप और भी पोस्ट भर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया है कि मेडिकल वाले में कि आप कौन कौन से पद भर सकते हैं। तो यहां से आप पोस्ट प्रिफरेंस अपना सेलेक्ट करके रख सकते हैं। पोस्ट प्रिफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट जैसे ही आप करोगे वहां पर, तो ये वाला आपका आता है डिक्लेरेशन टाइप का। डिक्लेरेशन में बोलता है आई एम नॉट करंटली डिबार्ड, वहीं से डिबार्ड तो नहीं है, उसको आपको टिक किए थे पहले। फिर आपसे बोला कि आपने कोई लेजिक सर्जरी या सर्जर प्रोसीजर तो करेक्ट नहीं किया है रिफ्रैक्टिव, क्योंकि आप अगर सभी पद करोगे, कुछ जैसे आपके पद हैं जैसे A2 है ना, उसमें आपको सर्जरी A2 A3 में सर्जरी जरूर अलाउ नहीं है, वो मैंने पहले भी बोल चुका हूं। जैसे स्टेशन मास्टर हो गया और गुड्स वाला ट्रेन वाला में हो गया, तो उसमें आपके लेजिक सर्जरी नहीं चलेगा, तो उसके लिए ये कंफर्म कराता कि आपकी लेजिक सर्जरी तो नहीं हुई है, आप कहोगे नहीं हुई है। फिर आई यहां पर आई एग्री टू ए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर फाइनल स्कोर ऑफ दिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर रिक्रूटमेंट, ये आप टिक करोगे कि जो हमारे फाइनल स्कोर है, हो सकता है किसी और प्राइवेट या गवर्नमेंट में इसका यूज हो सके तो कर सकते हैं। फिर यहां पर जो भी आपने दिया है वो सब सत्य है, अपना प्लेस वैल्यू प्लेस डाल दो, डेट डाल दो और सिग्नेचर यहां पर आपको दिखाता रहेगा। प्रीव्यू एप्लीकेशन आएगा, क्या आएगा, प्रीव्यू एप्लीकेशन मतलब आपका फॉर्म फिल हो चुका है। प्रीव्यू एप्लीकेशन करोगे तो एक साथ जितने भी डेटा आपने भरा है आप सब उसको चेक कर डालो, अगर सही है तो सबमिट बटन आता है, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट होगा। फिर आपका इसके बाद से जो प्रोसीजर होता है वो पेमेंट का होता है, किसका होता है, वो पेमेंट का होता है। इसके बाद पेमेंट विंडो खुलेगी, आप अपने पेमेंट ओपन पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म फाइनली पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा, यही आपको करना है। तो ये रहा आपके कैसे स्टेप वाइज स्टेप फॉर्म फिल करना है। बाकी मैंने पहले बता दिया कि जिनको भी रेलवे से रिलेटेड कोई भी एनटीपीसी का, चाहे एसआई आरपीएफ एसआई का या कांस्टेबल का बैच लेना है, चाहे जेई का लेना है CBT 1, तो आप परीक्षा प्लस एप्लीकेशन से ले सकते हैं, मात्र एक किताब से भी कम दाम में उपलब्ध है 199 में, एक किताब भी नहीं मिलेगी। इसमें हम आपको वीडियो क्लास, नोट्स, ईबुक, ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ईबुक आपको अलग से भी है, आप अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको हम PDF नोट्स का ईबुक प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
तो चलिए, अगर आपको किसी भी चीज में कोई समस्या है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।